नहीं, बिल्कुल अभूतपूर्व था। और जो बात मैंने अपने उद्बोधन में भी कही, जब मैं सबको संबोधित कर रहा था, कि बहुत लंबे समय के बाद हमारे जितने भी साथी हैं वो कांग्रेस में जाने के बाद मेरे से ज़्यादा उनके चेहरे पे खुशी दिख रही थी, और इस बात की अनुभूति हो रही थी कि हम दोबारा अपने घर पहुँच गए। तो वो चीज़ मैंने वहाँ अपने भाषण में भी कही। तो बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि जो फैसला लिया उसका सभी साथियों ने पुरजोर तरीके से स्वागत किया है। हालांकि मैं तो ये भी कहूँगा कि इस फैसले को लेने में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो हमारे सारे साथियों की थी, जो 2 अक्टूबर की जो रैली जींद में की गई थी, और जो सभी का मन था उसी अनुसार चौधरी साहब ने उस दिन घोषणा की थी। और मुझे खुशी है कि हम उस पर पूरे उतरे। हालांकि वही सिर्फ एक कारण नहीं था, कारण तो जैसे मैंने बताया कि बहुत लंबे समय से बनते आ रहे थे। सर, जैसे भी बीजेपी गठबंधन को लेकर आप निरंतर बोलते हुए थे, आखिर वो टूट भी गया तो उसके ऊपर आपकी अब क्या क्या देखते हैं? आप बताओ, बीजेपी को आप कहाँ देख रहे हो? मेरे ख्याल से वो तो हाशिए पे चले गए हैं, और उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये आज की या कोई पिछले 6 महीने की बात नहीं है। अब काफ़ी समय से लोग जो हैं हरियाणा की जो जनता है, जिनमें एक बहुत बड़े तबके ने उनके प्रति बहुत विश्वास व्यक्त किया था और उनको वो 10 सीट जितवा के भेजा था, उनको जिस प्रकार से राजनीतिक तौर पर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो एक विश्वासघात की जो एक भावना लोगों के बीच में है वो है। और इसी यही कारण है कि आज के दिन मेरे ख्याल से उनके लिए कहीं कोई जगह ही नहीं। सर, आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद बीजेपी में दर्दी मच गई, और सरकारी पार्टी की उसको लेकर क्या कुछ नए सीएम बनाएंगे उसको लेकर क्या कुछ? अगर आप मुझे उसका क्रेडिट देना चाहते हैं तो मैं ले लेता हूं थोड़ा सा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मेरे ख्याल से पार्टी को आभास तो बहुत लंबे समय से था कि हालात जो हैं वो ग्राउंड पे वो नहीं है जो हम पार्टी के नाते एक अति आत्मविश्वास की तस्वीर दिखाकर लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, 10 की 10 जीतेंगे उस तरह की बात। या 2019 में जो असेंबली का चुनाव में 75 बार की बात थी, ये 10 में 10 जीतने वाला भी कुछ ऐसा ही था। जबकि आप यदि फील्ड में जब जाएं, लोगों से बात करें, तो ये कहीं भी सत्य के करीब नहीं था कि हम पूरी 10 की 10 जीत रहे हैं या ऐसा कोई माहौल हो। एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो बहुत तीखी थी, और समाज के बहुत बड़े वर्ग में एक सरकार के प्रति रोष भी था, उदासीनता भी थी, और एक एक बदलाव का माहौल व्याप्त था। पार्टी उसको, अब आप कह सकते हैं कि सरकार चल रही थी, कई बार ये होता है जब आप सत्ता में होते हैं तो आप सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आपके पास आंकड़े होते हैं तो आप सोचते हैं कि चलो चल रहा है, चलने दो। शायद मेरा इस्तीफा जो था उससे उनको ये लगा कि ये चीज़ तो खुल के बाहर आ गई। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे इस्तीफे से वो सारा कुछ हो गया घटनाक्रम, क्योंकि वो घटनाक्रम मुझे लगता है स्टेज मैनेज था। वो ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री भी बदल दिया, कैबिनेट भी बदल दी, गठबंधन भी सरकार की सरकार के स्तर पर तोड़ दिया। तो इतनी सारी चीज़ें 1.5 दिन के अंदर हुई हैं, तो जरूर उनको इस बात का आभास होगा कि जमीन पर बहुत कमजोर हो चुके हैं। सर, हरियाणा में चर्चा चल रही है कि चौधरी ब्रजेंद्र सिंह कहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये चर्चा मैं जब बीजेपी में भी था वो पिछले 6 महीने से चल रही थी। हिसार की बजाय लोग कहीं और का भी जिक्र करते थे। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, जब मैं कांग्रेस ज्वाइन करके और कांग्रेस अध्यक्ष के घर से जब मैं बाहर निकला, तो बाहर निकलते ही मेरे को पत्रकार साथियों ने दूसरा हलका भी गिनाना शुरू कर दिया था। तो मुझे इन अफवाहों का नहीं पता कि ये किस वजह से है। ये बाकी देखते हैं, मेरी दिलचस्पी तो जहाँ से मैं सांसद हूँ वहीं से है, बाकी जो पार्टी उचित समझेगी जहाँ से भी लड़वाना चाहेगी उनके ऊपर। सर, चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी पार्टी और छोड़कर कांग्रेस में कब ज्वाइन करेंगे? कभी भी, मेरे ख्याल से। मैं उसकी कोई तारीख तो क्योंकि निश्चित नहीं की है, क्योंकि अभी तक जो सारी बातचीत थी पार्टी के अंदर वो मैंने की थी। चौधरी साहब को मैंने उसमें इन्वॉल्व नहीं किया हुआ था। उनको भी मैंने बहुत बाद में बताया कि जी मेरी ऐसे ऐसे कांग्रेस से बात चल रही है, और बोले चल तू देख ले। और जब मेरा फैसला हो गया तो उसके बाद अब
चौधरी साहब मेरे ख्याल से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतृत्व है उनसे मुलाकात का सिलसिला करेंगे और उसके बाद कभी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सर, प्रदेश के अंदर आज 2 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाई, क्या इसको लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा सकता है? इसको आप इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़िए। जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल सुप्रीम कोर्ट के दबाव में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डली है उसी दिन 2 रुपए लीटर तेल घट गया और चर्चा जो है मीडिया में वो 2 रुपए तेल का है, इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 रुपए तेल किस लिए घटा है। थैंक यू।